लेट अस डिस्कस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये क्या चीज़ है? ठीक है, कैपेसिटर आपने अभी तक सुना होगा, दो प्लेट्स होती है, पैरेलल प्लेट्स होती है, तो उसके हिसाब से कैपेसिटी को एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में देखेंगे कि कैपेसिटी किसको बोलते हैं और वो कौन से पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर आपके पास एक कंडक्टर है, मान लो ये कंडक्टर है, तो इसमें कितना चार्ज स्टोर हो सकता है, तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है ना, उसको कैपेसिटी बोलते हैं ये कंडक्टर की, और वहां से ही टर्म जनरेट हुआ कैपेसिटर, कैपेसिटर। एनीवेज, सो जितना आप चार्ज देते जाओगे उतना सर्टनली पोटेंशियल बढ़ेगा। सो इट इज ऑब्जर्व दैट क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के सिंबल को इक्वल टू में अगर आपको कन्वर्ट करना है, सो क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो इसका मतलब सी क्या है? सी को बोला जाता है कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। सो कैपेसिटी अगर आप देखते हो तो क्यू अपॉन वी का रेशो है, सो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अगर ऐसा है तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज अ पोटेंशियल, ऐसा लिख के आते हैं। यहाँ पे देखो, सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और कॉन्स्टेंट वैल्यू प्रोपोर्शन कैसे लिख सकते हो आप? क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी लिखा ठीक है, लेकिन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू और ये लिख के आओगे तो ये गलत होगा, न्यूमेरिकल गलत बन जाएगा अगर ये अजम्पशन यूज करके करोगे तो। एनीवे, सी डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अ नेचर ऑफ मटेरियल जो यूज करके आपने कंडक्टर को बनाया है, तो उससे वो मैटर नहीं करेगा। वो किसके ऊपर मैटर करेगा? ये जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उसकी साइज कितनी है, उसका शेप कैसा है, और ये जो कंडक्टर है उसको आपने कहाँ पे रखा है, तो जो परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्यू वी नेचर ऑफ अ मटेरियल, बट इट डिपेंड्स ऑन साइज शेप ऑफ अ कंडक्टर एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इन विच इट इज लोकेटेड। तो ये तीन पैरामीटर के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। एनीवेज, अभी यहाँ पे अगर v की वैल्यू अगर आप 1 करते हो तो q की वैल्यू c के बराबर होगी, तो अगर q या c की वैल्यू एक दूसरे के बराबर है तो इससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सकता है। सो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी। तो ये एक जनरल कंसिडरेशन है और कुछ है नहीं इसमें। अभी इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला कि 1 फैराड किसको बोला जाता है, इसके डेफिनेशन पूछते हैं, एंड दूसरा इसका डायमेंशन पूछते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो एक या दो मार्कर क्वेश्चन आएगा, मोस्टली एक या दो मार्कर क्वेश्चन में इस तरह से आंसर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे कुछ कीवर्ड्स दिए हैं, आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एनीवेज, सो इफ 1 फैराड का मतलब क्या है, 1 फैराड, सो 1 फैराड का मतलब है कंडक्टर का कैपेसिटी 1 फैराड हो सकता है। A conductor is said to be having a capacity of 1 farad if charge of 1 coulomb required to raise its potential by 1 volt. तो 1 farad किसको बोलते हैं? अभी यहाँ पे मेरे पास ये conductor है, इसके ऊपर certainly कुछ तो charge है ना? अभी ये 1 farad कब बोला जा सकता है? इसके ऊपर और कितना charge दोगे तभी जाके इसका potential 1 volt से raise होगा। एनीवेज, तो ये बन गए इसके डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 5 हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डायमेंशन, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू, क्यू ऊपर जाएगा आपका, सो क्यू स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। क्यू क्या होता है? ए इंटू टी, है ना। चार्ज क्या होता है? करंट इंटू टाइम होता है ना, करंट के लिए ए लिखा और टाइम लिखा, तो ए टी द होल स्क्वायर। वर्क के लिए क्या होता है? वर्क क्या होता है आपका? बेसिक चीज है, बचपन से पढ़ रहे हो आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, सो मीटर एक्सेलरेशन, मास क्या होता है, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, सो m1 l2 t माइनस टू, ये बन गया आपका w का डायमेंशन। तो ये यहाँ पे लिख दिया, ये ऊपर जाएगा, रीअरेंज करो, सो m माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए स्क्वायर, तो ये बन गया c का डायमेंशन। ये बहुत बार पहले कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, एनीवेज, और आपके बोर्ड्स में भी ये पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये पूरा जो डिस्कशन है इसमें, ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अभी मान लो मेरे पास एक स्फीयर है और इसके ऊपर आपने चार्ज दिया है, तो जैसे ही आप ये पूरा चार्ज देते हो ना, तो कैसे होता है? सो एंटायर स्फीयर बिहेव्स एज एंटायर चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो अगर आप कंडक्टर के ऊपर चार्ज दे रहे हो ना पूरा का पूरा, तो ये कैसे एक्ट करता है? इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, तो ये एक अजम्पशन है। सो यहाँ पे अगर हम लोग V की वैल्यू कंसिडर करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप सरफेस के ऊपर अगर पोटेंशियल कंसिडर करना चाहते हो तो,
सो 1/4πε0Q/R, Q इज इक्वल टू सी वी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा है Q इज इक्वल टू सी वी. सो अल्टीमेटली यहाँ पे मेरे पास ये दो इक्वेशन से उनको कंपेयर करना है, तो ये दो इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो C की वैल्यू क्या होगी, 4πε0 इधर जाए गए इनटू V अपॉन V, तो V V गेट कैंसिल, तो C की वैल्यू होगी 4πε0R. तो इसमें से 4πε0 ये चीज़ तो कॉमन है, तो अल्टीमेटली C प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. तो R की वैल्यू मीटर में होती है, C की वैल्यू फैराड में होती है ना. तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो इसका मतलब कैपेसिटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, साइज एंड शेप ऑफ अ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है. तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा था उसको प्रैक्टिकली प्रूव भी कर दिया. एनीवेज यहाँ पे नोट देखो, कैपेसिटर जनरली जो होता है वो दो प्लेट्स का होता है. यहाँ पे तो आपने एक ही स्फेयर बताया, मतलब यहाँ पे एक्चुअल में से दो स्फेयर रख के कैपेसिटी जनरेट की जा सकती थी या कैपेसिटर बनाया जा सकता था. यहाँ पे अजम्पशन ऐसा है कि पहला चार्ज हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, दूसरा जो है वो इन्फिनिटी रखा है, तभी जाके ये डेरिवेशन पॉसिबल है. सो नोट, कैपेसिटर जो होता है वो दो कंडक्टर से बनता है. हियर अदर कंडक्टर इज एज्यूम्ड टू बी एट इन्फिनिटी, एज्यूम्ड टू बी एट इन्फिनिटी. तो ये बन गया मेरा कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर. अभी कॉन्सेप्ट देखा, एक न्यूमेरिकल देखते हैं. ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछते हैं. आपको बोला गया है दो स्फीयर है, एक स्फीयर का वॉल्यूम है वी ए और दूसरे का वॉल्यूम है टू टाइम्स वी ए, ठीक है. सॉरी, वी ए का वॉल्यूम जो है फर्स्ट स्फीयर ए और दूसरा स्फीयर बी. आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ बी. व्हाट द क्वेश्चन, आपको बोला है कैपेसिटी ऑफ ए एंड कैपेसिटी ऑफ बी के बीच में रिलेशन बताओ. एनीवेज, सो कैपेसिटी ए कैपेसिटी बी, तो वॉल्यूम दिया है आपको, तो वॉल्यूम को ही कंपेयर करना पड़ेगा. सो 4/3πr³, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम का. सो 4/3πr³ इक्वल टू 2 × 4/3πr³. रीअरेंज करो, 4π विल गेट कैंसल, सो r³/rb³ इज इक्वल टू 2. therefore r³ की वैल्यू क्या होगी, 2^1/3 के बराबर होगी, है कि नहीं. सो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन है कैपेसिटी जो है वो r के प्रोपोर्शन में है. सो ca इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r a एंड cb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r b. therefore ca/cb की वैल्यू r³ के बराबर होगी, विच इज इक्वल टू 2^1/3. सो रिलेशन क्या होगा, ca:cb 2^1/3:1, समझ रहे हो. तो ये होगा आपका ca:cb का वैल्यू. तो हमने अभी क्या पढ़ा, अभी हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है एंड कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर अलोंग विथ वन एग्जांपल, ये डिस्कस किया. लेट अस डिस्कस अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड इट इज कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल. 2 marker क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है. अभी ये कॉन्सेप्ट समझ के लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ गया तो आगे जो कैपेसिटेंस के जो चीज़ें हैं रिलेवेंट वो आपको अच्छे से समझ जाएगी एंड उसको आप इमेजिन कर पाओगे सही ढंग से. विजुअलाइजेशन चाहिए होता है ना फिजिक्स में, वो अल्टीमेटली आ जाएगा. तो सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है. इट इज अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस. कम से कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अगर स्टोर करनी है तो उसके लिए कैपेसिटर यूज किया जाता है. एनीवेज, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एक्सप्लेनेशन, ये रफ वर्क है. ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ गया तो कैपेसिटर क्या है ये आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, मेरी पर्सनल गारंटी. देखो सबसे पहले मेरे पास प्लेट ए है, ठीक है. प्लेट ए को आपने चार्ज दे दिया, मतलब मान लो उसके ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज है और ये जो प्लेट है ये अपना एक पोटेंशियल जनरेट कर सकती है. V इज इक्वल टू 1/4πε0Q/R. सो डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ अ क्यू एंड जो भी पॉइंट पे आप कंसिडर करना चाहते हो तो वो R उसके हिसाब से पोटेंशियल की वैल्यू प्लेट वन के लिए कैलकुलेट की जा सकती है. दैट इज माई स्टेप नंबर वन. ये प्लेट को नाम देते हैं प्लेट ए. अब ये काम करते हैं, ये जो प्लेट ए है, सिचुएशन टू देखो, प्लेट ए जो है उसके नज़दीक हम लोग एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मान लो, या फिर उसमें चार्ज आपको देना है दो, आपकी मर्जी. तो जैसे ही आप दूसरी प्लेट इसके नज़दीक लेके आते हो, ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है इसमें, या फिर इसमें आपको जो चार्ज देना है आप दे सकते हो, यू आर फ्री. तो जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आती है, ये जो ओवरऑल प्लेट है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज नेगेटिव. तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक सरफेस पे आने की कोशिश करेंगे, समथिंग लाइक दिस. तो ये एक सरफेस पे आ गए, इक्विवेलेंट अपोजिट सरफेस में जाने की कोशिश करेंगे. तो ये बन गए नेगेटिव, ये बन गए पॉजिटिव. अभी अगर आप ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वो अभी पहले इतना नहीं है. मान लो पहले इसका पोटेंशियल एक सर्टन पॉइंट पे इसकी वैल्यू थी 150, लेकिन अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू 150 नहीं होगी. Q इक्वल टू सी वी होता है, ठीक है. इसका मतलब C इज इक्वल टू Q/V है. तो हमें क्या करना है, हमें एनी हाउ
ये जो C की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, C की वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है तो आपको Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके C की वैल्यू बढ़ेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि C डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ऐसा नहीं होता। अगर हम लोग ये इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो, या फिर दूसरा आप एक करो कि V की वैल्यू कम करते जाओ, या फिर दोनों कर सकते हो, V भी कम करो Q भी बढ़ाओ, अल्टीमेटली C की वैल्यू आपको इन्फ्लुएंस करनी है। तो जैसे ही आप ये सिचुएशन जनरेट करते हो तो अभी होगा क्या, ये जो नेगेटिव पोर्शन है ना यहाँ पे, ये पोटेंशियल के ऊपर कैसे अफेक्ट करेगा, V माइनस V1 ऐसा अफेक्ट करेगा। मतलब पहले इसकी वैल्यू 150 है, मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव की वैल्यू मान लो 70 है, 70 वोल्ट, तो यहाँ पे 150 माइनस 70 ऐसा कुछ तो इफेक्ट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ी दूरी पे आपके पास V2 भी है, लेकिन ये V2 की वजह से जो इफेक्ट होगा डिस्टेंस की वजह से, ये जो V2 का इफेक्ट होगा वो V1 पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कम होगी वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है V final that will be equal to इसका original potential, ये माइनस करना है और इसको प्लस करना है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे V final की वैल्यू क्या होगी, V minus V1 plus V2, let ये सारे assumptions है, वैल्यूज जो ले रहे हैं हम लोग हमारे हिसाब से ले रहे हैं। मान लो पहले केस में V की वैल्यू 150 है, नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू जनरेट हो रही है कोई तो एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट पे मान लो वो 70 है, ठीक है, और जो थर्ड है वहाँ पे जो आंसर मिल रहा है हमें वो 50 के बराबर मिल रहा है। अगर आप सबको कैलकुलेट करोगे, सबको ऐड करोगे तो आंसर आ गया 120 वोल्ट। और ये 120 वोल्ट क्या है, ये है पहले प्लेट के ऊपर जितना भी पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू वो बता रहा है। तो मतलब देखो ना, ओरिजिनल वैल्यू 153 वो अभी डिक्रीज हो गई। तो अल्टीमेटली अगर V की वैल्यू कम हो गई तो अल्टीमेटली C की वैल्यू क्या होगी, आपकी बढ़ने वाली है, ऐसा आप कर सकते हो, है कि नहीं। तो अगर आपका ओवरऑल C की वैल्यू बढ़ानी है तो आप उसमें चार्ज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। केस नंबर 3 कैसा होता, सेम डायग्राम आप वहाँ पे ड्रॉ करो और यहाँ पे आप एक ऐसा ग्राउंड कनेक्ट करो। तो ग्राउंड कनेक्ट होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके पॉजिटिव को नलीफाई कर देंगे, ठीक है, या फिर जो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है उसमें क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये अल्टीमेटली नलीफाई हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर ये पूरा का पूरा नलीफाई हो गया, केस 3 के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे आपका जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट विल बी 150 माइनस 70 और ये प्लस जीरो आएगा बिकॉज वो अभी है ही नहीं, तो ये कितना होगा 80 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल और कम कर दिया, मतलब और ज़्यादा चार्ज इसमें दिया जा सकता है कम स्पेस में और एनर्जी भी ज़्यादा स्टोर की जा सकती है। ये है कैपेसिटर के आइडिया। अभी देखते हैं पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ अरेंजमेंट टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहला पॉइंट, लेट कंसिडर देर आर टू कंडक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाई इंसुलेटिंग मटेरियल, तो ये दोनों के बीच में इंसुलेटर होगा। सो लेट अस कंसिडर अ प्लेट बी नियर प्लेट ए, तो प्लेट बी है हमारे पास, इसको प्लेट बी नाम देते हैं। प्लेट बी को, ये भी प्लेट ए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए है, ये भी इसके जैसे प्लेट आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो प्लेट बी है नियर प्लेट ए। सो यहाँ पे चार्जिंग बाई इंडक्शन, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग के दो टाइप्स होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट करते हो, इंडक्शन में एक्चुअल कांटेक्ट नहीं करते हो आप। सो नेगेटिव चार्ज जो है वो एक सरफेस पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपोजिट सरफेस पे जाएगा, एज शोन इन अ डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव चार्ज टेंड टू डिक्रीज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो, इसकी वजह से पोटेंशियल बी जो है ए का, ये कम होगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्ज जो है दैट विल टेंड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ प्लेट ए। तो वही पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज टेंड टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए एंड इंड्यूस पोटेंशियल, ये इंड्यूस्ड है, इंड्यूस्ड नेगेटिव, और इंड्यूस पॉजिटिव टेंड टू इंक्रीज पोटेंशियल ऑफ ए। लेकिन नेगेटिव जो है वो इसके नजदीक है, इट इज अ मोर इफेक्टिव, सो जो है नेगेटिव का इफेक्ट वो ज्यादा होगा। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ ए इज डिक्रीज्ड एंड मोर चार्जेस कैन बी गिवन टू इट। तो अगर पोटेंशियल कम हो गया तो और चार्जेस आप उसको दे सकते हो, सो कैपेसिटी ऑफ ए कैन बी इंक्रीज्ड, ऐसा आप बोल सकते हो। अभी और एक चीज़ की जा सकती है, जैसे मैंने आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किया था केस 3 में, अर्थिंग कर दो, यहाँ पे ग्राउंड लगा दो, अर्थिंग नहीं ग्राउंड कर दो। सो अर्थ अगर आप करते हो कनेक्ट तो मोर पोटेंशियल उसको कम किया जा सकता है और ज़्यादा चार्जेस आप दे सकते हो, सो अल्टीमेटली कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4। लेट सी इसके टाइप्स कौन से होते हैं, सिंबल कौन से होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तीनों का डेरिवेशन हम देखेंगे, अच्छे से बताऊंगा, सिंपल है बहुत, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं। और यहाँ पे सिंबल, अगर फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर है तो ये सी से रिप्रेजेंट करता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, बीच में इंसुलेटर होता है। लेकिन अगर कैपेसिटी की वैल्यू भी वेरी करनी है आपको, सो वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल इज समथिंग लाइक दिस। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल को अच्छे से देखा, आई होप सो ये आपको अच्छे से समझा।
लेट अस डिस्कस द कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुपिंग अगर आप करोगे कैपेसिटर्स का तो फिर वो क्या चीज है. एनीवेज एग्जाम इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स ज्यादा पूछे गए हैं, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसका डेफिनेशन. हम लोग कब बोल सकते कैपेसिटर सीरीज में है या फिर कैपेसिटर्स पैरेलल में. मान लो मेरे पास कैपेसिटर से C1, C2, C3, C4 अप टू CN, ठीक है, और उसको आपने एक बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया. और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मूव कर रहे हो, तो अगर आप एक पाथ में पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब आपने जो कॉम्बिनेशन किया है दैट कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन. सो कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय वन पाथ. तो यहाँ पे पाथ एक ही होना चाहिए आपका. अगर मल्टीपल पाथ्स है तो इसका मतलब वो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है या फिर सीरीज प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन का कुछ कनेक्शन है. एनीवेज तो सबसे पहले देखते हैं डायग्राम. पहले डायग्राम को समझ के लेते हैं. मेरे पास C1, C2, C3 ये तीन कैपेसिटर्स है. अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो मैंने लिखा है ना उसको भूल जाओ, ठीक है. मेरे पास C1, C2, C3 ये तीन कैपेसिटर्स है. अभी ये जो तीन कैपेसिटर्स है ये आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए, लेकिन अभी तक वो कॉम्बिनेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक आप यहाँ पे कोई तो एक बैटरी कनेक्ट नहीं करते हो या फिर एक सोर्स कनेक्ट नहीं करते हो. तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक कनेक्ट किया समथिंग लाइक दिस, ऐसी एक बैटरी कनेक्ट की. एनीवेज तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल. अभी ये जो है ना ये एक्सप्लेन करने के दो तरीके, मैं दोनों तरीके बताऊंगा, ठीक है. अलग अलग, क्योंकि अलग अलग वीडियोज अगर आप देखोगे ना या फिर कोई बुक्स पढ़ोगे तो डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है, और हमेशा बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे. तो दोनों तरीके से बताऊंगा. हमें एक चीज पता है, मान लो आपके पास कोई भी एक बैटरी है समथिंग लाइक दिस. ये अगर आपके पास सर्किट है और ये बैटरी है, ठीक है, तो ये सर्किट में से करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो करंट की फ्लो की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. ये क्या होता है, ये कन्वेंशन होता है. एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, है ना, लेकिन जब भी करंट फ्लो होने की बात होती है तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है ऐसा माना जाता है. तो यहाँ पे पहले टाइप का एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो सुनो आप अच्छे से, आपको समझ जाएगा, दोनों समझ जाएगा, जिंदगी भर कन्फ्यूजन नहीं रहेगा 100%. तो सबसे पहले देखो, अगर हम लोग कन्वेंशन के हिसाब से जाते कि करंट अगर आपका इस तरह से फ्लो हो रहा है कंप्लीट, है ना, तभी जाके हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है. अभी ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर का मतलब क्या है, अगर ये एक दो तीन तीन कैपेसिटर का कंबाइन इफेक्ट आप इस तरह से बता सकते हो, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटर होगा ये सीरीज का कैपेसिटर इक्विवेलेंट है, और ये तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस. तो तभी हम लोग बोलेंगे कि कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है, और उसका आंसर आप निकाल सकते हो. तो सबसे पहले देखो, यहां से अगर मैं पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है ऐसा मानता हूं, ठीक है, तो यहां पे प्लस क्यू इतना चार्ज यहां से यहां तक मूव होगा. और पहले तो देखो कैपेसिटर्स जो थे उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, तो तीनों भी कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो सारे प्लेट्स जो है उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है. अभी हम लोग यहां से चार्ज मूव करवा रहे और जो कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट है इसके ऊपर अभी पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया. कैपेसिटर का प्रिंसिपल हम लोग ने पढ़ा है, तो यहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो जैसे ही यहां पे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज आता है ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये जो सेकेंड प्लेट है, देखो इसको आप एक प्लेट मानो, इसको आप अलग प्लेट मानो, ठीक है. तो ये जो सेकेंड प्लेट है इसका जो अंदर का पोर्शन है यहाँ पे पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बनेगा पूरा का पूरा, जितना यहाँ पे उतना इक्विवेलेंट पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे बनेगा. लेकिन अभी ये प्लेट आपने दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट के साथ कनेक्ट की है, तो क्या होगा, ये जो चार्ज है वो मूव होके ये जो फर्स्ट प्लेट है सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर उतना आएगा. तो मान लो यहाँ पे आपने इनिशियली क्यू चार्ज दिया है, ठीक है ना, तो उतना ही माइनस क्यू यहाँ पे जनरेट होगा, उतना ही प्लस क्यू यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगा, तो ये प्लस क्यू बन गया. तो ओके, यहाँ पे मेरे पास प्लस क्यू इतना चार्ज है. अभी आप बोलेंगे ये जो कैपेसिटर सेकेंड है उसकी कैपेसिटी अलग है ना, तो मान लो ये
प्लस क्यू, इतना चार्ज ये अभी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये मूव हुआ। इससे कहीं ज़्यादा बड़ा चार्ज ये सी टू के ऊपर दिया जा सकता है या फिर उतना चार्ज नहीं दिया जा सकता। तो अगर बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जा सकता है, मतलब कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एरिया के ऊपर डिपेंड करती है ना, कि मतलब कितना बड़ा कैपेसिटर है। सी इज इक्वल टू 4π ε0 है ना, वो इक्वेशन आपने किया था जब भी कैपेसिटर पढ़ा था, तो डिस्टेंस के ऊपर प्रोपोर्शन में है, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से मटेरियल में आपने उसको रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर ये कैपेसिटी के हिसाब से अगर कम चार्ज है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया तो फिर वो लीक करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो सेकेंड कैपेसिटर है वो प्लस क्यू इतना चार्ज अपने इसमें होल्ड कर सकता है पहले प्लेट में। तो जैसे ही पहले प्लेट में प्लस क्यू इतना चार्ज आ जाता है ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहाँ पे इसकी जो सेकेंड प्लेट है इसके ऊपर इक्विवेलेंट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट साइड के ऊपर नेगेटिव और जो दूसरा साइड है उसके ऊपर इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अभी क्या होगा, ये कनेक्ट कर दिया है आपने, तो ये पूरा चार्ज जो थर्ड कैपेसिटर है उसके प्लेट्स पे आ जाएगा पहली प्लेट के ऊपर। तो ये पहली प्लेट के ऊपर पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई चार्ज था नहीं, लेकिन ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन इसकी एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव आएगा और जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और अल्टीमेटली ये फ्लो होके इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज आपका अभी कंप्लीटली फ्लो हो गया। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ से यहाँ तक ये अगर दो पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करते हो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल किसके बराबर है, वी के बराबर है। लेट मी चेंज द मार्कर। तो मान लो ये टोटल पोटेंशियल जो है तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस ये वी के बराबर है, लेकिन यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, यहां से यहां तक अगेन पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है, यहां से यहां तक अगेन पोटेंशियल ड्रॉप दिख रहा है। देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। सो अल्टीमेटली यहां पे जो वी की वैल्यू होगी दैट विल बी वी वन, यहां से यहां तक जो दूसरी वैल्यू होगी दैट विल बी वी टू, और यहां से यहां तक जो तीसरी वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल्स टू वी थ्री, और ये तीनों का जो कंबाइन इफेक्ट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंस टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो अभी जाके आप पोटेंशियल और चार्ज के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो एंड अल्टीमेटली सी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये था पहले टाइप का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अभी तक तो मैं सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक्सप्लेनेशन का पार्ट तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट वे था एक्सप्लेन करने का, अभी देखते हैं सेकेंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, ये भी बहुत सारे टीचर्स बताते हैं। तो सेकेंड वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो मान लो मेरे पास ये पूरा बैटरी है इस तरह से और मेरे पास ये तीनों कैपेसिटर्स है C1 C2 C3 सीरीज में लगाया है। अभी आपको क्या करना है, आपको अजम्पशन दूसरे तरीके से लो। आप देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव है बैटरी का एक कनेक्शन और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है कि नहीं। तो इनिशियली जितने भी कैपेसिटर्स है कोई भी कैपेसिटर के कोई भी प्लेट के ऊपर कोई भी चार्ज है नहीं, तो इनिशियली क्या होगा, ये प्लेट कंसिडर करो, ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी, यहां से पूरा का पूरा नेगेटिव निकल के इधर चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो अगर नेगेटिव इधर है तो यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव, और एट द सेम टाइम यहाँ से उतना ही नेगेटिव ये पोर्शन पे आ जाएगा जो आपको ये अंदर वाली प्लेट को मिलने वाला है। तो एनीवेज, तो यहाँ से अगर नेगेटिव निकल के इधर पहुंच जाता है तो यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा क्या बचा, पॉजिटिव बचा, है ना। ये प्लेट के ऊपर कुछ है क्या अभी तक, कुछ भी नहीं है। एनीवेज, तो यहां से देखते हैं, ये पूरा आपके पास इधर नेगेटिव है पूरा का पूरा सेक्शन, तो ये नेगेटिव है, ये क्या करेगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा, ये नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और ये पॉजिटिव है अगेन यहाँ पे आपको नेगेटिव मिलने वाला है ना। मतलब क्या किया, जो चार्ज है उसको दो अलग तरीके से देखा, एक होता है कन्वेंशन, मतलब चार्ज इज फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड दूसरा आपने क्या किया, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके देख रहे हो कि किस तरह से होगा। सो ये तरीका सेकेंड तरीका है, आई होप कि आपको दोनों समझे। अभी हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन तो आसान है, अभी एक्सप्लेनेशन में ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेट, पॉइंट नंबर वन क्या लिखोगे, लेट देयर एग्जिस्ट अ कैपेसिटर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी एज शोन इन अ फिगर। अभी एक्सप्लेनेशन जो लिखना है वो हम लोग जो पहला वाला तरीका था उससे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि कन्वेंशन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, चार्ज पॉजिटिव मूव करता है ऐसे माना जाता है। एनीवेज, सो लेट प्लस क्यू, चार्ज इज अप्लाइड ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ अ C1 एंड ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन माइनस क्यू इज ऑन द राइट प्लेट। तो लेफ्ट प्लेट पे Q1 है, क्यू है पॉजिटिव, और जो आपके पास राइट वाली प्लेट है उसका जो इनर पोर्शन है वहां पे नेगेटिव है, एंड उसका जस्ट
सेकेंड पोर्शन होगा वहां पे आपको पॉजिटिव मिलेगा और वो C2 के फर्स्ट प्लेट पे फ्लो करेगा. सो लेट प्लस क्यू वी हैव ऑन अ लेफ्ट प्लेट ऑफ अ सी वन. सो ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन वी गेट माइनस क्यू ऑन इनर साइड ऑफ अ राइट प्लेट एंड प्लस क्यू ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, तो राइट लेफ्ट देखो ना कौन सा लिया है उन्होंने. हाँ ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव मिला और यहाँ पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है. अब यहाँ पे प्लस क्यू जो है ये लेफ्ट नहीं होगा, सॉरी ये राइट होगा. ओके तो विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड प्लेस ये राइट होगा. ओके अब ये जो प्लस क्यू है ये फ्लो होता है लेफ्ट प्लेट ऑफ सी टू एंड इनर साइड ऑफ अ राइट जो है यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और आउटर जो है वहाँ पे पॉजिटिव होगा. तो ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होते रहेगी. कब तक रिपीट होगी? जब तक कैपेसिटर्स खत्म नहीं होते. हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग होगी. सो ईच कैपेसिटर रिसीव सेम चार्ज ऑफ अ मैग्नेटिक क्यू. सिंस कैपेसिटर्स ऑफ ईच कैपेसिटर्स आर डिफरेंट देयरफॉर वी की वैल्यू भी अलग अलग होगी. सो वी क्या होता है आपका? क्यू अपॉन सी. सिंस क्यू इज इक्वल टू सी भी होता है. सो वी वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन, वी टू इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी टू, वी थ्री इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी थ्री. सिंस क्यू इज अ कॉमन चार्ज कॉमन है सो टोटल कैपेसिटेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी एस. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस टोटल इज वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. अभी आसान है क्यू अपॉन सी एस विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी वन प्लस वी क्यू अपॉन सी टू प्लस क्यू अपॉन सी थ्री है ना. देयरफॉर वन अपॉन सी एस इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री. और ये बन गया आपका इक्वेशन. और इसको समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन वन अपॉन सी आई के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये बन गया आपका दो मार्क का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन. लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमेशा याद रखना है. लेट अस डिस्कस कैपेसिटर्स इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. अभी इसका तो पहले डेफिनेशन लिखना पड़ेगा. कैसे लिखोगे? जहां ये लिखा था सेम वैसे ही लिखना है. कैपेसिटर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विथ डिफरेंट paths. तो अलग अलग पाथ से आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हो. तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर सी वन सी टू सी थ्री ऐसे आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे दो पॉइंट्स है. अभी यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन क्या होगा. एक्सप्लेनेशन का जो तरीका होगा वो सीरीज के जैसा ही होगा लेकिन इसमें माइनर चेंजेस होंगे. वो चेंजेस देख लेते कि वो चेंजेस क्या है. मान लो यहाँ पे आपने ऐसा कुछ सोर्स कनेक्ट कर दिया है एक, ठीक है, और यह है पॉजिटिव यह है नेगेटिव. तो एक्सप्लेनेशन का पहला वाला तरीका फॉलो करते हैं हम लोग. तो मान लो यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ है ना, तो यह पैरेलल कॉम्बिनेशन है और हर एक का कैपेसिटी अलग अलग है. तो मान लो पहला वाला जो है यहाँ पे प्लस क्यू वन इतना चार्ज फ्लो हुआ, सेकेंड वाला जो है उसमें प्लस क्यू टू इतना चार्ज फ्लो हुआ और थर्ड वाला जो है वहाँ पे प्लस क्यू थ्री इतना चार्ज फ्लो हुआ. तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से इक्विवेलेंट नेगेटिव इधर जाएगा, इक्वेलेंट नेगेटिव इधर जाएगा, इक्वेलेंट नेगेटिव इधर जाएगा और इसका जो अपोजिट साइड होगा वहां से जितना भी पॉजिटिव है वो यहाँ पे फ्लो होके यहाँ पे खत्म हो जाएगा. इस तरह से आप देख सकते हो ये चीज को. या फिर अपोजिट वे में देखना है तो भी कर सकते हो. देखो ये पूरा कैपेसिटर्स है तो इसकी जो लेफ्ट प्लेट्स है वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके इधर चले जाएंगे सेकेंड तरीका और ये इसको नलीफाई कर देंगे, है ना. नलीफाई नहीं बोल सकते, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे और उतनी इक्वेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर फ्लो होंगे. सो प्लस क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री उतना ही इक्वेलेंट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मिलेगा. माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू माइनस क्यू थ्री है ना. तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेसिटर्स की वैल्यूज आप निकाल सकते हो. तो सी वन सी टू सी थ्री ये वैल्यूज अलग अलग है और वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ अ मटेरियल, कितना एरिया है उसका, उसके हिसाब से. तो ये था बेसिक आइडिया. ये अच्छे से समझा तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है. एनीवेज एक्सप्लेनेशन देखते हैं. लेट सी वन सी टू सी थ्री आर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स एंड हैविंग अ कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस वी. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दो कॉमन पॉइंट्स हैं तो हर कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, वो चेंज नहीं हो रही है. एनीवेज सो क्यू रिप्रेजेंट टोटल चार्ज. लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है पहले केस में क्यू वन जा रहा है, सेकेंड केस में क्यू टू जा रहा है और थर्ड केस में क्यू थ्री जा रहा है. तो यहाँ पे जो टोटल चार्ज है क्यू दैट इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री. सो एक्सप्लेनेशन पॉइंट नंबर थ्री कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे जो आपने पॉइंट नंबर टू एक्सप्लेन किया था वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है. लेट प्लस क्यू वन इज द चार्ज ऑन पॉजिटिव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ कैपेसिटर सी वन, इक्वेलेंट नेगेटिव चार्ज गॉट इंड्यूस्ड ऑन द अनदर प्लेट ऑफ अ सी वन एंड पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो. ऐसे आप हर एक के लिए लिख दो, आपका बन जाएगा पॉइंट नंबर थ्री. तो अभी देखते हैं कि टोटल कैपेसिटेंस सीपी की वैल्यू क्या है. पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री लिखना पड़ेगा क्योंकि दो कॉमन टर्मिनल में आप अलग अलग पाथ से जा रहे हो.
तो टर्मिनल तो आपका कॉमन है, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। सो एनीवेज, सो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर फाइव। इसका पॉइंट नंबर फाइव मैंने यहाँ पे लिखा है, सो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सो Q के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, Q के जगह पे आप लिख सकते थे Cp इंटू V, और Q1 के जगह पे क्या लिख सकते हो आप C1 इंटू V, और सिमिलरली आप लिखते जाओ। सो ये पॉइंट नंबर टू में ये भी आप ऐड कर सकते हो। सो देयरफॉर Cpv इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो यहाँ से V विल गेट कैंसल, सो Cp की वैल्यू होगी C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 टू N Ci। तो ये बन गया प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें क्या है, सबसे पहले रफ वर्क देखो। मान लो मेरे पास एक मेटल प्लेट है और इसके ऊपर चार्ज दिया आपने, लेट दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये मेटल प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, आपको क्या करना है, एक दूसरी मेटल प्लेट इसके आप नजदीक लेके आओगे। तो जैसे ही दूसरी मेटल प्लेट आप इसके नजदीक लेके आते हो, ड्यू टू चार्जिंग बाय इंडक्शन इसका जो एक सरफेस होगा दैट विल बी नेगेटिव, एंड जो अपोजिट होगा वो इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे। तो ये जो प्लेट है इसके नजदीक वाला जो सरफेस है वहां पे नेगेटिव होगा, और उसका जो अपोजिट है देयर यू विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज। एनीवेज, सो यहाँ पे बीच में आप क्या कर सकते हो, आप इंसुलेटिंग मटेरियल रख सकते हो या फिर एयर या वैक्यूम होगा तो भी चलेगा। तो अल्टीमेटली बीच में क्या बन सकता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है और जिसका कुछ वैल्यू हो सकता है। अभी हमें क्या करना है, इसको अगर और अच्छा करना है या इसका कैपेसिटी और बढ़ा रहा है, तो यहाँ पे आप एक ग्राउंड कर दो, और बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलके ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसको नलीफाई कर देंगे, है ना। तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नेगेटिव आपको बनेगा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना है, एक एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया, ये तीन कंसिडर करके आपको डेरिवेशन को प्रोसीड करना है। अभी यहाँ पे डेरिवेशन को प्रोसीड करने के लिए आपने वो देखा है इक्वेशन इन्फाइनेटली लॉन्ग, अगर प्लेन शीट आपके पास है तो उसके नज़दीक अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आपने वो डेरिवेशन किया है ऑलरेडी हम लोग ने गॉस थ्योरम का, जिसमें आपने एक ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ किया था, याद आया, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपको एप्सिलॉन नॉट कुछ तो मिली होगी अपॉन ए टू ए, जो भी है, मतलब सिग्मा की एक वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी यहाँ पे। तो वो जो चीज़ है हमें यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। तो अल्टीमेटली सरफेस वन पॉजिटिव की वजह से क्या सिग्मा का वैल्यू होगा, वो यूज़ करके हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी निकालनी है, सेंटर में भी निकालनी है, और अल्टीमेटली जाके सी क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जनरल आइडिया हो गया, लेट सी फेयर वर्क। तो सपोज मेरे पास एक पैरेलल प्लेट का सेटअप है, ये कैसे मिला यहाँ से, मतलब ये पूरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपके दिमाग में अभी ये पूरा आ गया। अभी इसका जो पहला प्लेट है इसको आप ऐसा इंसुलेटिंग ऐसे एक छोटा सा बॉक्स नीचे कंसिडर कर दो, इसकी वजह से क्या होगा, चार्ज किधर फ्लो नहीं होगा, लीक नहीं होगा चार्ज का, दैट इज द ओनली कंसर्न। यहाँ पे इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो सेकंड प्लेट है उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे तीन एरियाज के बारे में बात होगी, रीजन वन, इसको रीजन टू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रीजन थ्री। रीजन थ्री जो है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अभी आप यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम रख सकते हो, यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम, या फिर आप एयर या फिर वैक्यूम भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये है, तो अभी बन गया मेरा बेसिक आइडिया। लेकिन ये जो दो प्लेट्स है उसके बीच में एक डिस्टेंस लेना है, लेट दैट डिस्टेंस इज अ डी। अभी देखते हैं डेरिवेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है। लेट देयर एग्जिस्ट टू कंडक्टर्स, अभी जब यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिख दी है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दो तीन मार्क के लिए आता है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कीवर्ड्स है वो आप अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखो। तो अभी आपको ये स्किल आना चाहिए, बिकॉज ये जो चीज़ है ना ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, प्रोवाइडेड मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो भी आपको अपने लैंग्वेज में लिखने आना चाहिए। अदरवाइज ऐसे होगा कि आप मगअप कर रहे हो चीज़ों को विदाउट अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, ये जो बड़े बड़े डेरिवेशंस में बोर्ड पे लिखता हूँ ना, मैं कुछ भी याद नहीं कर रहा हूँ, अपने आप आ जाता है वो। सो ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, है ना। और बहुत सारे बच्चों को सिखाने के बाद अल्टीमेटली अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाते हैं, आइडिया दिमाग में आ जाता है। तो सेम चीज़ आपको करनी है, एक बार मुझसे सीख लो, रिपीट करो, जितना रिपीटेशन करते जाओगे अपने आप दिमाग के द्वार आपके खुलने वाले। एनीवेज, सो लेट अस कंसिडर टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर विच आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। सो हियर यहाँ पे एक फर्स्ट प्लेट जो है मेरी उसको हम लोग ने इंसुलेट कर दिया है, और जो सेकेंड है उसको आप ग्राउंड कर रहे हो, सो दैट हमें पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज दूसरे प्लेट के ऊपर मिल जाए।
ओके, सो फर्स्ट प्लेट जो है उसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया है, और जो सेकंड है वहाँ पे इंड्यूस्ड हो रहा है चार्ज माइनस क्यू। सो सर्टनली इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा वन, और यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको आप सिग्मा टू के नाम से बोल सकते हो। सिग्मा वन क्या है? पॉजिटिव। सिग्मा टू क्या है? नेगेटिव। ये हो गया मेरा एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट दो पॉइंट्स। अभी देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट जो प्लेट है आपकी उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा इज गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सो ये पहले प्लेट के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अब अगर हम लोग सेकेंड प्लेट देखते हैं तो उसके लिए सिग्मा इज इक्वल टू नेगेटिव विच इज गिवन बाय माइनस क्यू अपॉन ए। नेगेटिव चार्ज इसके लिए, चार्ज के ऊपर से सिग्मा की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव बनती है। एनीवेज फॉर फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड रीजन, तो पहला और सेकेंड रीजन अगर आप कंसिडर करते हो तो ई की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये E1 E2 की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आपको जो भी मिल रहा है वो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन माइनस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो अल्टीमेटली आंसर है जीरो, क्योंकि जो पैरेलल प्लेट है यहाँ पे तो उसकी वैल्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। सो रीजन थ्री अगर आप देखते हो तो वहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, अल्टीमेटली सेंटर में जो भी होगा दैट विल बी एडिशन समेशन। सो यहाँ पे देखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू आया बिकॉज इक्वल अपोजिट है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मिल रहे। सो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सो इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन गया। सो सिग्मा के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा के जगह पे आपने ये चीज सब्स्टिट्यूट कर दी, सो ई की वैल्यू होगी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो प्लेट्स के बीच में जो भी है वो। अभी हमें क्या करना है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये लोकलाइज्ड है दो प्लेट्स के बीच में। सो वी की वैल्यू क्या होती है? इनटू डी। कैसे कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। तो इसको ही वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर करते हो तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो सकती है? वी अपॉन आर के बराबर होगी। तो इसका मतलब वी की वैल्यू क्या होगी? इनटू आर के बराबर है, है ना। ये सिंपल चीजें रीअरेंज किया हमने। तो R मतलब क्या है? डिस्टेंस। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो V इज E इंटू डी। सो E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो E की वैल्यू क्या है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू डी और Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। तो ये बन गई V की वैल्यू। हमें निकालना क्या है? हमें कैपेसिटी निकालनी है तो निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज यस। सो वी नो दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन V। सो अल्टीमेटली V के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो? क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्यू क्यू विल गेट कैंसिल तो बचेगा क्या? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो अल्टीमेटली कैपेसिटर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन। गॉट द कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। तो अभी लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या किया? दो पैरेलल प्लेट्स कंसिडर किए, एक के ऊपर पॉजिटिव है दूसरे के ऊपर नेगेटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करो तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगा, पहले का सिग्मा वन दूसरे का सिग्मा टू। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। आपने क्या किया यहाँ पे? आपने E की वैल्यू कैलकुलेट की फर्स्ट एंड सेकंड रीजन के लिए, थर्ड रीजन के लिए ऐड हो जाता है तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट वी इज इक्वल टू इनटू डी। सब्स्टिट्यूट करो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इनटू अपॉन डी। तो ये था क्विक रिकैप। अभी देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये क्या चीज है। एनीवेज कूलम्स लॉ में आपने देखा था, सो एप्सिलॉन आर और के इसकी वैल्यू होती है फोर्स ऑन टू चार्जेस प्लेस्ड इन अ वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एनी मीडियम। सो ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम करोगे तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू आएगी। ये ऑलरेडी हम लोग ने कूलम्स लॉ जो है आपका पढ़ा है, वहां पे हम लोग ने देखा है। एनीवेज सेकेंड देखते हैं, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया? फैराडे ने क्या बोला? जो दो कैपेसिटर के बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है, अगर वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया जो सी है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो सी इंक्रीजेस एंड फैक्टर ऑन विच सी मल्टीप्लाइज, फैक्टर ऑन विच सी मल्टीप्लाइज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अ मटेरियल जिसके लिए आप एज अ डाइलेक्ट्रिक जो बीच में यूज करने वाला हो मटेरियल वो कौन सा यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन आर और के ऑफ अ मटेरियल इसके ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अल्टीमेटली इंटर बिटवीन अगर आप कुछ मटेरियल यूज करते हो तो सी को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ऑब्जर्वेशन था इन शॉर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैथमेटिकली एप्सिलॉन आर और के से भी जाना जाता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन टू प्लेट्स। तो पहले केस में डाइलेक्ट्रिक रखा, दूसरे केस में कुछ नहीं एयर या फिर वैक्यूम है। सो कैपेसिटेंस ऑफ द सेम कैपेसिटर विथ वैक्यूम और एयर इन बिटवीन टू प्लेट्स। तो ये बन गई मेरी बात। तो सी मटेरियल अपॉन सी एयर और सी वैक्यूम, है ना। सो सी मटेरियल की वैल्यू क्या होगी? के टाइम्स सी एयर या फिर सी वैक्यूम, जिसको आप सी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा।
एनीवेज के को आप एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो कैपेसिटी आपकी सी नॉट मटेरियल के लिए, सॉरी एयर के लिए, उसके लिए आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. सो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इसके जगह पे एप्सिलॉन लिखा जा सकता है इन टू ए अपॉन डी. तो ये क्या था, एक जनरल फॉर्म था. ये वन मार्कर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, एक दो मार्क के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो अभी हमने क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका यूटिलाइजेशन करके हम लोग ने रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का भी इक्वेशन. लेट अस डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो मान लो आपके पास कैपेसिटर है और बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है. तो कंडक्टिंग स्लैब के लिए हम लोग ने देखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या इफेक्ट होगा ये भी हमें चेकआउट करना है. तो मान लो सेम सेटअप है, मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चार्ज है प्लस क्यू माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई जीरो जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ये दोनों के बीच में. अभी इसमें आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है. तो हमने देखा है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे क्या जनरेट होता है, डाइपोल्स जनरेट होते हैं. तो एक साइड जो होगी वहां पे पूरा पॉजिटिव होगा और जो दूसरा होगा वहां पे पूरा नेगेटिव होगा, इन बिटवीन जो है वो न्यूट्रल हो जाते हैं. ये हमने देखा है. अगर आपको ये नहीं समझ रहा है तो फिर आप जाके वो वाला एक पार्ट देख लेना जो इसके प्रीवियस पार्ट में होगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईपी के बराबर है. ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा है. एनीवेज, सो ईपी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स यहाँ पे जो बन रहा है इसकी वजह से बन रहा है. देखो ये प्लस है माइनस है, ईपी वेक्टर बनेगा. तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ईपी. तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल की वजह से एक बनने वाला एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये जो स्लैब आपने रखी है उसका थिकनेस है टी और जो कैपेसिटर है उसका जो डिस्टेंस है उसको डी से रिप्रेजेंट किया है. तो ये हो गया बेसिक डायग्राम. डायग्राम ड्रॉ किया तो उसका नाम लिखना जरूरी है, तो जो क्वेश्चन है वही वापस लिख दो, है ना. सो एक्सप्लेनेशन, पॉइंट नंबर वन आप अपने लैंग्वेज में लिखो, जो भी आपको दिया है डायग्राम में वही आपको लिखना है. लेट सी नॉट ए डी, सी नॉट रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटर और ए एंड डी रिप्रेजेंट इट्स एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स placed in a vacuum or air. So C naught is epsilon naught upon epsilon naught A upon D. तो ये हो गया कैपेसिटर एंड प्लस क्यू रिप्रेजेंट करता है कितना चार्ज है पैरल प्लेट कैपेसिटर्स में. इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड डाइलेक्ट्रिक इज गिवन बाई ई इज इक्वल टू ई जीरो माइनस ई पी एंड आउट साइड तो वो ई जीरो के बराबर ही है, ई नॉट के बराबर ही है. अभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिसको हम V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाई V इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना एक इक्विवेलेंट चैलेंजिंग पार्ट है. क्यों चैलेंजिंग पार्ट है, बिकॉज ये आपको लेना पड़ेगा और ये वाला लेना पड़ेगा तभी जाके आपका टोटल पोटेंशियल निकलेगा, है ना. तो ये वाला जो बचता है वो किसके बराबर है, वो ई नॉट और ई के बराबर है, है ना. तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वी की वैल्यू होगी ई नॉट डी माइनस टी के बराबर, मतलब जो आपका डी है और टी है ना, इसको हटा दो तो फिर ये बचेगा और जो सेंटर वाला है वो दैट इज ई इंटू टी. ये ई इफेक्टिव है कि नहीं. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट वी. तो ये पूरे डेरिवेशन में यही एक स्टेप इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझते, पोटेंशियल कैसे निकला. वन मोर टाइम, हमें टोटल चाहिए ना, लेकिन अभी ये वाला और ये वाला ऐसा अलग है. तो जो बचा हुआ है वो कैसे निकाल सकते, डी माइनस टी करोगे तो जो बचा हुआ है वो निकालेंगे और सेंटर वाला तो है जो हम लोग ई इफेक्टिव और टी के हिसाब से निकाल सकते हैं, है ना. लेकिन हमें ये पता है ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू एप्सिलॉन और के बराबर होती है, ये हम लोग ने देखा है डेरिवेशन. तो ई के जगह पे क्या लिख सकते, ई इफेक्टिव इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के बराबर हो गई. तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, वैल्यू सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है. देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के, है ना. तो ये वैल्यू वी वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते तो वी इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस e की जगह पे क्या लिखोगे, e not upon k into t. तो ये आपने तो लिख दिया, okay, which is equals to, v is equals to e not, bracket के अंदर क्या बचेगा, d minus t plus t upon k. तो ये बन गया आपका v का equation. So v is equal to e not d minus t plus t upon k, ये बन गया आपका v का equation. अभी हम लोग देखते हैं v के हिसाब से हमें c निकालना है. लेकिन सबसे पहले जो e not है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके बीच का, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है. ये डेरिवेशन आपने गॉस लॉ में पढ़ा होगा. एनीवेज, सो क्यू अपॉन ए, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज गिवन बाय क्यू अपॉन ए. तो सब्स्टिट्यूट करते ये वैल्यू यहां पे, सो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये ई नॉट की वैल्यू बन गई. तो वी इज इक्वल टू ई नॉट मिल गया हमें, सब्स्टिट्यूट करते क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. तो ये बन गया मेरा एक वी का इक्वेशन. अभी हमें कैपेसिटी निकालनी है. सो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन देम सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी. सो क्यू अपॉन वी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ये पूरा का पूरा सेक्शन सब्स्टिट्यूट करोगे तो करो ना. सो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के. तो इसमें से क्यू क्यू विल गेट कैंसल और ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो सी की वैल्यू बनेगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी
प्लस टी अपॉन के। तो ये था इक्वेशन। तो यहाँ पे लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसमें क्या किया आपने, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा, एक इंटरनल इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है यहाँ पे जो ई जीरो माइनस ई पी के बराबर होता है, आपको एक वी निकालना पड़ता है, तो वी निकाला आपने और उसके बाद आपने ई नॉट की वैल्यू निकाली जो वी के इक्वेशन में सब्सिट्यूट की, एंड में जाके क्यू इज इक्वल टू सी वी होता था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, चार्ज तो आपके पास क्यू तो कॉन्स्टेंट है तो वी के जगह पे आपने सब्सिट्यूट किया, फाइनल आंसर आपको क्या मिला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अभी यहाँ पे अलग अलग पॉसिबल केसेस है वो भी हमें देखने हैं। लेट अस डिस्कस फ्यू केसेस। सो सबसे पहले अगर यहां पे पूरा का पूरा आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया, ठीक है ना, मतलब जो डी है उतना ही डिस्टेंस के इक्वेलेंट ये जो प्लेट है जिसका थिकनेस टी था वो पूरा आपने भर दिया, तो अभी क्या फर्क पड़ेगा। सो इफ डी इक्वल टू टी, दैट इज अ स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर्स, कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक, सो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी अपॉन टी प्लस के, ये अपने पास जनरल फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी और टी को अगर आप सब्सिट्यूट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे टी के जगह पे डी सब्सिट्यूट करना है तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी अपॉन के, सो रीअरेंज करोगे सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू के, तो ये किसके बराबर है, सी नॉट के बराबर है इंटू के, है ना, तो मतलब सी की वैल्यू होगी आपकी सी नॉट इंटू के बराबर, और वैल्यू ऑफ के जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसके हिसाब से फिर आपका जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आपको अलग अलग दिखाई दे सकती है। अभी दूसरा उन्होंने क्या बोला है, ये जो बीच का स्पेस है वहां पे आप अलग अलग थिकनेस के स्लैब्स रखो डाइलेक्ट्रिक के ही, तो अलग अलग थिकनेस के रखोगे तो ये क्या है, ठीक है ना, तो पहले आपने स्लैब रखा T1 थिकनेस का जिसका कांस्टेंट है K1, T2 थिकनेस कांस्टेंट K2, अप टू डॉट 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 Tn, तो ऐसे बहुत सारे रख दिए तो Tn तक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है वो बनेगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन के एन, कुछ नहीं, ये इक्वेशन को मॉडिफाई करके ये इक्वेशन बन चुका है आपका, ठीक है, तो रिस्पेक्टिव डी और टी के वैल्यूज तो निकल गए, है ना, बिकॉज ये टी वन टी टू टी थ्री अल्टीमेटली हटा देगा डी को आपके, तो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी वन अपॉन के वन प्लस टी टू अपॉन के टू प्लस डॉट 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 टी एन अपॉन के एन। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर थ्री, अगर आप बहुत सारे कैपेसिटर्स लेते हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हो, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने कैपेसिटर्स रखे हैं और कैपेसिटर्स का एरिया है ए वन ए टू ए थ्री, एंड जो कैपेसिटर है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आप डी रख रहे हो, वो आपने कांस्टेंट रखा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, देखो ना यही फॉर्मूला आप लो, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है, और यहाँ पे ए वन को अरेंज करना है हमें, तो ये ए वन के वन, देखो ना ए इंटू के बचा यहाँ पे, तो ए वन के वन प्लस ए टू के टू प्लस डॉट 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 ए एन के एन, तो एनी वेज तो ये बच गया आपका अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो तो। नेक्स्ट है आपके पास, लेकिन अगर एरिया वन एरिया टू अप टू एरिया एन जितने भी कैपेसिटर्स है अगर उनका एरिया सेम है एंड उसकी वैल्यू अगर आप ए अपॉन के बराबर लेते हो तो अल्टीमेटली ए के जगह पे ए वन के ए टू के ऐसा सब्सिट्यूट करके यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, देखो सो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू एन, तो ये रीअरेंज किया आपने इक्वेशन, सो एनी वेज सॉरी ए अपॉन के नहीं ए अपॉन एन, सो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और ये ए वन ए टू ए थ्री ये सब कॉमन लिया, सो ए अपॉन एन के वन प्लस के टू अप टू के एन, तो ये बन गया आपका एन कैपेसिटर्स अगर आप पैरल कॉम्बिनेशन में रख रहे हो तो। एंड लास्ट है कैपेसिटर्स फिल्ड विद द कंडक्टिंग स्लैब, तो के इक्वल टू अगर इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा आपका डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर आप लेते हो तो आपके पास ये इक्वेशन है जो आपने कैलकुलेट किया था सी नॉट इक्वल टू सी अपॉन डी अपॉन डी माइनस टी ऐसा कुछ तो मिला था, तो रीअरेंज करते इक्वेशन को, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है सी इज इक्वल टू डी अपॉन डी माइनस टी इंटू सी नॉट, तो यहाँ पे सी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन सी नॉट, सो कैपेसिटी इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ डी अपॉन डी माइनस टी, तो ये जो फैक्टर है इसके हिसाब से आपकी कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो अभी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन देम, तो पूरा डेरिवेशन देखा और उसके बाद चार पॉसिबल केसेस देखे।